इस्लामिक सेंटर जहीराबाद में मुस्लिम दुश्मन अनासिर के सदबाब के सिलसिले में मुस्लिम एक्शन कमेटी का एक इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास के दौरान मलून वसीम रिजवी के इकदाम की सख्त मजम्मत की गई, जिसने कुरान हकीम के 26 आयतों को हज्व करने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इस मौके पर सदर मुस्लिम इलेक्शन कमेटी जहीराबाद मोहम्मद यूसुफ अली ने वसीम रिजवी को फौरी गिरफ्तार करके उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। आबाद में मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से वसीम रिजवी मलूल जो हमारे कुरान के ऊपर जो 26 आयतों को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाला है, लिहाजा उसके खिलाफ हम जहराबाद पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ जो है एक FIR दर्ज करा रहे हैं और उसको जल्द से जल्द जो है इसको गिरफ्तार करें। और ऐसा शख्स जो किसी भी मजहब के लिए जो है सो ना वो गलत साबित हो सकता है, ऐसे शख्स को जो है उसके ऊपर कार्रवाई करें और उसको जल्द से जल्द जो है उसको गिरफ्तार करके उसको सख्त सजा दी जाए। TTV न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और हाँ, प्रेस द बेल आइकॉन तो एवरी अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।